बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों से अब थोड़ी परेशानी भी होने लगी है। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि नोएडा बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इस जाम से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक यह जाम दिल्ली कालिंदी कुंज सड़क पर नोएडा बॉर्डर के पास लगा है। यह जाम 5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हो गया था और जाम में फंसने वाली गाड़ियों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली और NCR राज्यों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में गैर जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ जैसे सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाने वाले टैंकरों को इस पाबंदी से छूट दी गई थी। दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार कई दिनों से बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। गुरुवार सुबह 5वें दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब दर्ज किया गया था। सफर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह लगभग 6:30 बजे 362 दर्ज किया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।